सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ब्राइट ई-कॉमर्स। तो आज हम सीखेंगे कि मीशो पे सेल कैसे करें। तो मीशो पे सेल करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, और अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो भी आप इसमें देखेंगे। तो जो हम यहाँ पे मीशो पे अकाउंट बना रहे हैं, ये GST वाला अकाउंट बना रहे हैं। विदाउट GST भी बनता है, लेकिन उसमें ज़्यादा आपकी सेल नहीं हो पाती है। अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप GST लेके ही काम करें, तभी आप इसमें वर्क कर पाएंगे। नहीं तो कि एक आधी ऑर्डर के लिए भी आपको 15-15 दिन वेट करना पड़ेगा। तो आप पहले, अगर GST नहीं है तो फुल वीडियो देख लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं इसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। और अगर सब चीज़ें आपके पास है तो ये आप सही वीडियो पर आएँ, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको आपका नंबर डाल लेना है। नंबर डालने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर रीसेंट OTP देगा। तो देखो यहाँ पर हमने नंबर डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि जो है हमने पहले जो नंबर आ रहा था उसका जो OTP हमने रिक्वेस्ट करी, तो उसमें बता रहा है कि ये नंबर पहले से एग्जिट है इसमें। तो फिर हमने अब नंबर चेंज कर दिया, दूसरा नंबर आ रहा है। तो कभी सभी इस तरह के इशू आ जाते हैं, तो आप फिर उस नंबर से अकाउंट नहीं बना सकते, दूसरे नंबर से आपको बताना पड़ेगा। तो हमारे पास OTP आ गया है, हम OTP डाल देंगे। सबसे पहले स्टेज में हमें क्या करना है, एंटर नंबर। फिर सेकंड में आ जाता है आपका एंटर OTP। थर्ड में आ जाता है आपका ईमेल आईडी वही रखें जो आप रेगुलर बेस पर फॉलो करते हो। और एक पासवर्ड आपको इजीली बना लेना है, नीचे जो इसके टर्म्स दी गई है उसके हिसाब से ही आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड जैसे आपने बना लिया है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब तो यहाँ हमने पासवर्ड बना लिया है, और नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टिक लगाने का, उस पर टिक करके आपको आगे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलने वाली है, वो आ रही है आपकी टैक्स डिटेल। तो टैक्स डिटेल में आपको क्या डालना है, या तो आपके पास इनरोलमेंट ID, जो मैंने बताया था कि विदाउट GST तो इनरोलमेंट ID के साथ आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम इनरोलमेंट ID के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं GST के साथ काम। तो हमने GST पर क्लिक करा, और अब यहाँ डाल देंगे हम GST नंबर। तो फटाफट GST नंबर डाल लेते हैं। तो अब हमने GST नंबर डाल लिया है, और साइड में वेरीफाई का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और पूरी डिटेल हमें बता देगा आप किस नाम से, क्या क्या जो जो डिटेल इसमें ऐड है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ हमें मिल जाएगी। हम चेक कर लेंगे और यहाँ पर नीचे जाके कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ कंटिन्यू का एक जो ब्लू कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है सिंपली आपको। फिर आगे जो न्यू स्टेप खुलेगी हम उसे देख लेते हैं। तो अब आपकी जो स्टेप खुली है पिकअप एड्रेस की, तो पिकअप एड्रेस में आपको यहाँ पर अगर आपका जो एड्रेस है वो GST में डला हुआ है, तो आपको ऊपर जो ऑप्शन दिया है यूज़ एड्रेस रजिस्टर्ड ऑन GST, तो ऑटोमेटिकली सारा फिल हो जाएगा। अदरवाइज GST के एड्रेस से आपका एड्रेस डिफरेंट है, तो आपको यहाँ 1 by 1 फिल करना है। तो सबसे पहले आपको डालना है आपका हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट का नेम, फिर उसके बाद लैंडमार्क डाल देना है। लैंडमार्क में जो भी आपके आसपास की फेमस जगह रहती है वो डलता है। पिन कोड या जिप कोड बोला जाता है, तो ये दोनों चीज़ डाल देना है आपको, और सिटी डाल देना है, और ऑटोमेटिकली स्टेट तो आपका सेलेक्ट हो ही गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिलअप कर लेना है। तो हम इसको भी फटाफट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे जो सारी स्टेप क्लियर हो गए, तो हमें नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी आ जाती है बैंक की डिटेल। तो बैंक की डिटेल में सबसे पहले जो ऑप्शन हमें फिल करना है वह है अकाउंट नंबर। आपको अकाउंट नंबर अच्छे केयरफुली तरीके से अच्छे से देख देख के डालना है। उसके बाद नीचे कंफर्म कर देना है अकाउंट नंबर, वापस से रिपीट जो अकाउंट नंबर है वो डालना है। थर्ड स्टेप में आपको IFSC कोड डालना है बैंक का। IFSC कोड आपको आपकी पासबुक में मिल जाएगा, और आपके गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको उस ब्रांच का एड्रेस वगैरह याद हो तो आप उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे भी दिया हुआ है ऑप्शन फाइंड IFSC कोड, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास IFSC कोड है, हमने जो है इसको पहले से ही सारी डिटेल रख ली है हमारे पास। तो हम सिंपली यहाँ पर 1 by 1 सब फिल कर देंगे। तो फटाफट इसे कर लेते हैं, और आप भी इसे फटाफट कर लो ताकि हम आगे के स्टेप देख सकें। तो अब हमें डालना है IFSC कोड। तो IFSC कोड हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है, अकाउंट नंबर जो है कंफर्म भी कर लिया है। अब हम डाल रहे हैं IFSC कोड। तो IFSC कोड हम यहाँ पर, हमें याद है तो हम डाल लेंगे, अदरवाइज़ हम नीचे फाइंड IFSC कोड करके भी फाइंड कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं, पासबुक से सर्च कर सकते हैं,
और भी दो तीन तरीके आते हैं उससे कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वे है आप गूगल से या पासबुक से देख लें। नीचे अगर आपका आईएफएससी कोड सही रहेगा तो नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर यह हमारा वेरीफाई का ऑप्शन आ गया है, वेरीफाई बैंक डिटेल हम कर देंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर एक चेक करने का आ गया है कि अगर आपका कंटिन्यू करने से पहले आप एक बार इसको कंफर्म कर लेते, हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पर आ गया आपका स्टोर नेम, स्टोर नेम वही डालना है जो कि आप चाहते हैं कि आपके इस स्टोर नेम से नाम बिके। ये ब्रांड नहीं है, ये स्टोर नेम है, मतलब कि आपकी दुकान का नाम। तो वो दुकान का नाम आपको डाल देना, सभी जो बायर हैं वो यहाँ देख पाएंगे मीशो के शॉपिंग ऐप पे कि आप इस नाम से बेच रहे हैं, तो उस तरीके से डालना है। और आपका नीचे फुल नेम डाल देना है, आपका खुद का फुल नेम यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हमने स्टोर नेम डाल दिया है। अब नीचे हम जो है हमारा फुल नेम डाल के नीचे आए एग्री एंड कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और नीचे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक इशू दे दिया है इनने कि यहाँ पर आपने जो है स्पेस दिए वो स्पेस नहीं देना है, तो हमने यहाँ पर से स्पेस कम कर दी। अब यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि ये अदर सप्लायर ने इसे नाम लेके रखा है, तो हम इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब इसे करके देखते हैं। तो इस तरीके के इशू आते रहते हैं, इसीलिए वीडियो बनाई जाती है ताकि आपका ईजी काम हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो यहाँ पर आपका अकाउंट बन गया है। कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि ये आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, और कुछ भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट में डालें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि हमारा न्यू अकाउंट बन गया है, और अगर आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो जो यहाँ पर डिटेल रहती है फिलअप करने की, वो सब आपको यहाँ पर फाइल फिल कर लेना है। तो यहाँ पर जो नीचे सबसे ऊपर जो एक पॉपअप दिख रहा है, ई सिग्नेचर इज़ मिसिंग, तो हमने उसे ऐड करने की कोशिश करी थी। ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा तो उस पर कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आप एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप जब अपनी फर्स्ट 2 से 3 लिस्टिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ एडवर्टाइजिंग का फ्री क्रेडिट दिया जाता है, तो वो आप यहाँ पर से ईज़िली जाके यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट दिया जाता है 30 डेज के लिए दिया जाता है, तो 30 डेज के अंदर आप कोशिश करें कि आपके 2 से 3 लिस्टिंग यहाँ पर करें। उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेनिंग का ऑप्शन भी दिया देता है, ज्वाइन फ्री लाइव ट्रेनिंग, नीचे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, बुक ट्रेनिंग नाउ। यहाँ पर आप जाके आपकी जो भी आपको सीखना है, लिस्टिंग करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, या फिर एडवर्टाइजिंग के बारे में, या जो जो इशू आ रहे हैं सारी चीज़ें आप यहाँ पर सब पूछ सकते हैं और ट्रेनिंग लेके पूरी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड।